आज हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें रेजिस्टेंस को हम एंड्स टू एंड कनेक्ट करें। एंड टू एंड यदि हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में व्हेन द फर्स्ट एंड्स ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट एंड अदर एंड्स आर कनेक्टेड एट अदर सेम पॉइंट, सो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि यदि हम हर एक रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे ज्वाइन करें और हर एक का सेकेंड एंड दूसरे पॉइंट पे ज्वाइन करें, सेम पॉइंट। मान लीजिए R1, R2, R3 हमने तीन रेजिस्टेंस ले लिए, हर एक का फर्स्ट एंड ए पॉइंट पे ज्वाइन किया, ये पॉइंट ए है, मान लीजिए पॉइंट बी है, और हर एक का दूसरा एंड बी पर ज्वाइन किया, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो करंट अलग अलग फ्लो होगा सभी के अक्रॉस, जो भी रेजिस्टेंस लगे हैं, R1 के अक्रॉस अलग जाएगा, R2 के अक्रॉस अलग, R3 के अक्रॉस अलग। तो हमने माना R1 के अक्रॉस I1 करंट जा रहा है, R2 के अक्रॉस I2 जा रहा है, और R3 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I3। टोटल I करंट फ्लो हो रहा था, डिवाइड हो गया करंट तीन पार्ट में, टोटल पोटेंशियल V है सर्किट का, टोटल करंट I, इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, I1, I2, I3। तो R1 को कितना करंट मिला? I1। R2 को I2, R3 को I3। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस सेम रहेगा। जो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने V माना, तो ये V पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस भी V होगा, R2 के अक्रॉस भी V होगा, R3 के अक्रॉस भी V, क्योंकि सभी के फर्स्ट एंड को A पर ज्वाइन किया है, सभी के सेकेंड एंड को B पर। तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड दी, वही पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस होगा, तो हमने V माना। तो सर्किट का भी V रहेगा, A और B के अक्रॉस पोटेंशियल भी क्या रहेगा? V रहेगा। क्लियर? तो यहाँ जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे हम, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, हाँ करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमने माना कि जो भी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, एक नया रेजिस्टेंस हमें मिल गया तीनों को कंबाइन करने के बाद, उसको RE माना, इट इज़ कॉल्ड टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें देखना है, ये हमें निकालना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर? तो उसको निकालने के लिए हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर अभी आपने देख लिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1, R2, R3 के फर्स्ट एंड को A पर ज्वाइन किया और सेकेंड एंड को B पर, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? इट इज़ कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे कितने भी रेजिस्टेंस हम ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल करंट I फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट I फ्लो हो रहा है तो I टोटल करंट किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे फिर से ओम्स लॉ का हम यूज़ करेंगे। वी नो दैट V इक्वल्स टू IR या V बाय R इक्वल्स टू I, या I किसके बराबर होगा? V बाय R के। तो I टोटल करंट है यहाँ पर हमारा, I इज़ टोटल करंट, V इज़ टोटल पोटेंशियल एंड R इज़ टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें इस लॉ का यूज़ करना है, तो हम लिख सकते हैं कि I हमने टोटल करंट माना, तो I किसके बराबर हो जाएगा? V अपॉन R ही। ऐसे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? I1 की। I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1। ऐसे ही हम I2 की वैल्यू निकालेंगे, तो I2 किसके बराबर होगा? V बाय R2। और I3 किसके बराबर होगा? V बाय R3। तो हम लिख सकते हैं सभी की वैल्यू पुट की I1, I2 और I3 के, तो हमें क्या मिलेगा? हमें I की जगह V बाय R ही रख दिया, I1 की जगह V अपॉन R1, R2 इसकी जगह, I2 की जगह V बाय R2 और I3 की जगह V बाय R3। तो यहाँ पर V कॉमन लिया, V से V कैंसिल, तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला 1 बाय RE किसके बराबर हो गया? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो हम कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेसिप्रोकल
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का किसके बराबर हो रहा है? इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ इक्विवेलेंट इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. इट मीन्स दैट व्हेन वी कंबाइन द रेजिस्टेंस इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. जब भी हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कम होगा. तो वो कैसे? तो हमने माना कि हमने 1 ओम के रेजिस्टेंस ले लिया. R1 भी 1 का है, R2 भी 1 का, R3 भी 1 का. तो 1/RE किसके बराबर हो रहा है? 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1. क्लियर? तो 1/RE इक्वल्स टू 3. तो RE इक्वल्स टू 1/3, मतलब 1 से भी कम हो गया रेजिस्टेंस. हमने 3 रेजिस्टेंस 1 ओम के लगाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/3 हो गया. मतलब जब भी हमें कौन सा कॉम्बिनेशन देखना है, जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देंगे रेजिस्टेंस को, तो टोटल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. तो यदि हमें वैल्यू डिक्रीज कराना है तो पैरेलल में कंबाइन करना है. यदि हमें वैल्यू इंक्रीज कराना है तो किस में कंबाइन करना है? सीरीज में. तो क्या कंक्लूजन निकाला? द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट सॉरी द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. सो व्हेन वी कंबाइन द रेजिस्टेंस इन पैरेलल द टोटल वैल्यू डिक्रीजेस.